I'm a mathematics teacher and the change has come to the school parameter. Because last year, which was topic was there, I have started in 3.1. मैंने आपको बताया था स्फीयर फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है? दो नंबर्स का स्फीयर आउट स्फीयर फाइंड आउट कैसे करना है. देयर वर टू मेथड, वन वाज द कॉलम मेथड एंड सेकंड इज योर डायमंड मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिपीट द कॉलम मेथड अगेन. टू मेथड्स टू नोट आउट, वन इज योर कॉलम मेथड. कॉलम मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, आपको तीन टाइप्स के कॉलम बनाना है. This is x here, this is 2xy, and this is y. Fine? हाँ नीचे अगर आपको basically जो column method होता है बेटा वो two ही जो two digit के numbers होता है उन्हीं के लिए find out होता है, three digit के लिए column method हम लोग नहीं करते, ठीक है? मान लीजिए आपको find out करना है का आपको आपको 97 का find out करना है तो कॉलम मेथड. बट द कॉलम मेथड इज ऑलवेज
कभी भी जो कॉलम मेथड है बेटा वो टू डिजिट से ज्यादा के लिए हम लोग यूज नहीं करते. फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सेकंड मेथड इज योर डायगोनल. डायगोनल मेथड एक ऐसा होता है बेटा जिसको हम लोग टू बड़ी डिजिट के लिए यूज कर सकते हैं और स्मॉल डिजिट के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, डायगोनल के लिए मान लीजिए आपको कैसे डायगोनल मेथड निकालना है मैं आपको सिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके पास 47 का डिजिट डायगोनल. डायगोनल मेथड हमेशा किसमें निकलेगा, स्क्वायर को. भी स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. ये कॉस बनेंगे उतने ही इसमें कॉलम होंगे. जितने नंबर है उसका स्क्वायर होता है. टू डिजिट है, टू डिजिट का स्क्वायर होता है कितना होगा 4. 4 का मतलब क्या है, अब इसके अंदर क्या बनेंगे आपके पास, टू ही रोज बनेंगे कॉलम. ऐसे टू डिजिट है तो टू डिजिट में का क्या मतलब है कि हम टू ही रोज बनाएंगे, टू ही कॉलम. दो रो बनाए और दो कॉलम. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, दो रोज दो कॉलम. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं जितने भी आपके रोज और कॉलम्स हैं उसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक हम ऐसे डिवाइड करते हैं हमने देखो मल्टीप्लाई करना है. कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इस 4 से. 4 4 16 है. ठीक है, फिर हम इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 7 का 28 को हम 2 निकल के 8 को हम लोग नीचे लेते हैं. फाइन, उसके बाद हमने क्या किया, फिर हम 7 को प्लस करते, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से. 7 4 का 28, 7 7 का 29. क्या समझ आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, दो कॉलम लिए, दो रोज. ठीक है, फिर मैंने क्या किया उन सबको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया. 47 को 47 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 47 का स्क्वायर रूट. स्क्वायर करने के लिए मुझे 47 को 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 4 को सबसे पहले क्या करना, 4 4 का 16, 16 को मैंने ऐसे लिया. नेक्स्ट रो का 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 का 28. ठीक है, अब ये 7 4 का, अब पहली रो को बंद कर दो, दूसरी रो में क्या है 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 का 28, 7 7 का 49. इतना आगे समझ. फिर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हमारे पास रो लेते हैं वैसे ही इतना शुरू करते हैं. जैसे सबसे पहले देखो इस रो में तो सिर्फ क्या 9 ही है, हम इस 9 पे लिखते हैं. इस रो में 3 है, 8 4 8, हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, 8 4 8 प्लस ये क्या है 2 6 2, 2 6 2 क्या है 1. समझ आया कि मैंने क्या किया, सारे नंबर्स को मैंने लिख लिया है. अब देखते हैं 8 8 16 16 और 4, एट फोर 12 12 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 20. Eight into ten.